व्हाट इज अप गाइस। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फाइनली वापस से चालू करने वाले हैं व्लॉगिंग। बीच में थोड़े महीनों के लिए रेस्ट ले लिया था, और ये पीछे हमारे आवाज करीब हो ही जा रही है बार बार। अभी हम लोग वापस से फाइनली व्लॉगिंग चालू करने वाले हैं, और ये अभी मैं रात को व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि सुबह सुबह मैं चालू करता हूँ व्लॉगिंग, पर मैं सुबह उठता ही नहीं हूँ, लेट उठता हूँ तो फिर व्लॉगिंग फिर मन ही नहीं होता मेरा। तो अब से मैं रात को ही पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि मैं कल सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, और कल दो प्लान है मेरे, दोनों में से एक करूँगा। और या तो मैं साइकिलिंग पे जाऊँगा कुछ 24 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, या फिर जिम जाऊँगा, इन दोनों में से एक जो मन होगा वो मैं वहाँ चले जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे सीधा कल सुबह ही, तो जब तक के लिए गुड नाइट। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, अभी मैं उठ गया हूँ सुबह, और दो तीन दिनों के बाद मैंने कमिटमेंट लेके एक बार जल्दी उठ ही गया मैं। अभी मैं पहले सोच रहा था साइकिलिंग के लिए, पर कल ही रात को हुई थी बारिश, तो पूरी जो सड़क थी वो कीचड़ कीचड़ हो गई होगी और मेरे पूरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं जिम जा रहा हूँ। तो जल्दी से चलते हैं जिम, उससे पहले मैं थोड़ा प्री वर्कआउट लूंगा। जो फाइनली था हमारा प्री वर्कआउट रेडी हो चुका है, पीनट बटर के साथ ब्रेड और ब्लैक कॉफी। ब्लैक असली दिखी नहीं रही, ब्लैक कॉफी, ये दोनों पी करके और खा करके निकलते हैं अपन जल्दी से जिम। जब ये हम लोग निकलते हैं जिम के लिए, और मिलते हैं आपसे सीधा जिम के बाद। तभी मैं फाइनली आ चुका हूँ जिम से, और आज मैंने की थी ट्राइसेप्स। तो अभी बहुत ज्यादा ट्राइसेप में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। तब ब्रेकफास्ट करेंगे फिर 15 मिनट का रेस्ट लेके। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थका हुआ हूँ, तो अभी मिलते हैं आपसे 10-15 मिनट बाद। ओके, फाइनली अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। रेडी तो क्या, दूध के अंदर बस सीरियल्स डाले हैं, तो यही मैं सुबह को खाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो था, मैं अपनी बहन को ट्यूशन से लेने आया था, और हमारा जो फ्रेंड्स का एक अलग ही प्लान बन गया था मूवी देखने का आज शाम को। तो यहाँ पे आए थे टिकट बुक कराने, मैं, तीन जने हैं, मैं, हर्ष गुप्ता और दर्श शर्मा, और साथ में पूर्वी बोली कि तुम लोग जा रहे हो अकेले ये वो मूवी देखने, तो मेरे को भी एक काम कर, पिज़्ज़ा दिलवा दे यहाँ पिज़्ज़ा हट का। तो पूर्वी के लिए यहाँ से पिज़्ज़ा भी ले लिया है, दो हैं, दो का कॉम्बो था, दो में से एक मैं भी खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पूर्वी खिलाएगी ना मेरे को, चल बे। फ्रेंड्स, फाइनली जो टिकट्स है वो मैं ले आया हूँ। ये टिकट्स, वैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये टिकट्स मैं लाया हूँ वो जो थॉर के है ना नई मूवी जो है, उसका तो पूरा नाम ही नहीं पता मेरे को, पर वो बोल रहे हैं बहुत अच्छी है लोग। और पहले हमारा प्लान था रॉकेट्री मूवी देखने का, वो कहे कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो इसलिए मैं पहले वो देखना चाह रहा था, लेकिन आज का वो शो ही नहीं था उसका, तो इसलिए ये थॉर की देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बता रहे हैं लोग। और ये अभी जो है शो वो है 6:45 का शो है, वैसे तो 5:15 का भी शो था, पर वो 3D थी यार, 3D में बहुत अंधेरा अंधेरा टाइप का लगता है, बहुत सही नहीं लगती, और उल्टा महंगी भी थी, 230 के आसपास की थी, और ये जो मैं लाया हूँ वो है 170 की पर टिकट ना। तो फ्रेंड्स, फिर सीधा भी मेरा क्या प्लान है कि अभी मैं पहले पूरी जो मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर के आई है खास मेरे लिए बनवा के, आए चल चल चल, जो पूरी पिज़्ज़ा लेकर आई है वो मैं खाऊंगा थोड़ा, और फिर उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार एक और बार जिम चले जाऊँ, क्योंकि इतना पिज़्ज़ा में इतनी सारी कैलोरीज होती है थोड़ी सी बर्न करके, उसके बाद फिर मैं चले जाता हूँ मूवी। तो वहाँ से 6:45 का शो है, तो लगभग एक घंटे में जिम चल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं। आज मैं पहली बार प्री वर्कआउट में पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ। सोच रहे हो आप, जिम से जाने से पहले पिज़्ज़ा, मतलब जिम में जाके ये वही सब वजन वगैरह कम करना है, और मैं वजन बढ़ा के उसके बाद फिर जा रहा हूँ जिम। कंट्रोल तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट कंट्रोल तो कर रहा हूँ। जिम थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिज़्ज़ा खा के मेरा पूरा पेट ही भर गया, अभी मैं पेट भर रहा हुआ है, तो अभी मैं जाके एक्सरसाइज करूँगा तो फिर मतलब एकदम गड़बड़ी हो जाएगी पेट में, इसलिए जिम कैंसिल कर रहा हूँ मैं। वैसे भी सुबह तो जाकर ही आया ना,
इतनी जिम भी नहीं करनी चाहिए। जस्ट 15 मिनट में जल्दी से पिक्चर चालू होने वाली है, 6:30 तो होगा, 6:45 पे चालू हो जाएगी। और ये गुप्ता जी अभी आए हैं, क्या बोलूँ, मैं भी सो गया था वैसे, क्या बोलूँ अब इसको यार मैं। सही है साले, इतनी लेट क्यों आए वे? अरे उसके रहने दे, अपन चल चलेंगे अंदर। रुक 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 रुक, टिकट तो लिए गए मैंने। फाइनली पहुंच गए, तो गुप्ता जी कैसे हो? बढ़िया। और कैसी लगी मूवी आपको? ठीक थी, कॉमेडी मूवी थी, अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी। अच्छा चल भाई फिर कल सुबह मिलते हैं। चल भाई, इसको भी कहाँ बीच में मैंने रोका आगे। तो फ्रेंड जो फाइनली मूवी थी वो बहुत ही ज्यादा मस्त थी, मतलब बेसिकली वो एक बहुत ही ज्यादा फनी मूवी थी। और मतलब इतना मजा आया ना उसको देख के, मतलब वो मजा सिर्फ हमारा इंटरवल तक ही था। इंटरवल में हमको किसी दोस्त ने बताया कि भाई रिजल्ट आ गया हमारा था, मतलब हम है ना उस फिर आधी जो पिक्चर थी ना हमारी रिजल्ट ढूंढने में ही निकल गई। और लगभग आ गया था रिजल्ट 7 बजे के आसपास, और अभी तक वो वेबसाइट खुली नहीं रही है, अभी तक पता ही नहीं चला है रिजल्ट क्या है, पास है क्या, है क्या नहीं है। मतलब पास तो हो ही जाऊंगा आराम से, पर लेकिन यार अभी तक पता ही नहीं चला है कि क्या है रिजल्ट। अभी इतना मतलब क्यूरियस हो रखा हूँ ना क्या है रिजल्ट क्या है। 7 बजे मतलब आधी मूवी हमारी इसी में ही निकल गई। हम आधी मूवी तो हमने ऐसे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, मतलब शुरुआत की आधी देख ली एकदम अच्छे से, फिर इंटरवल में हमको पता चला कि भाई रिजल्ट आ गया। और हम मतलब हम 3 दोस्त गए थे, 2 का साथ में आ गया था और 1 का वो दूसरा, उसका कोर्स ही दूसरा है तो उसका 10 या 15 दिन के बाद आएगा। तो अभी पता नहीं क्या रिजल्ट है, अब क्या कर सकते हैं जब तक ये वेबसाइट खुलेगी नहीं, जब तक रिजल्ट पता नहीं चलेगा। तो अभी कितने, अभी 10:14 हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 7:30 बजे तक आ गया था रिजल्ट, 6:30 तक आ गया था पर अभी तक आया नहीं है, बताओ अभी क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये व्लॉग इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।